गोवर्धन के गांव जतीपुरा के कोली मोहल्ला में उस समय सनसनी फैल गई जब अज्ञात हमलावरों ने एक बिल्डिंग के ठेकेदार की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी, जिसके बाद मौके पर एसपी क्राइम पहुंचे और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। थाना गोवर्धन क्षेत्र के गांव जतीपुरा के कोली मोहल्ला में हरियाणा के गन्नौर थाना क्षेत्र के रहने वाले बिल्डिंग ठेकेदार शिव कुमार की हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। ठेकेदार करीब एक वर्ष से इस इलाके में रह रहा था। वहीं हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। इधर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम को भी घटना स्थल पर बुलाया गया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे एसपी क्राइम राधेश्याम ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। जी सर, आज जतीपुरा में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्या कुछ मामला था सर? ये थाना क्षेत्र गोवर्धन जनपद मथुरा के जतीपुरा गांव का प्रकरण है। एक शिव कुमार नाम का व्यक्ति, जो मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत जिले का रहने वाला है, जो विगत कुछ माह से यहाँ जतीपुरा के एक मकान में अकेले निवास करता था, कुछ व्यक्तियों द्वारा उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में आज सुबह ही पुलिस को सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल पे पहुंची है और घटनास्थल की जांच में जो तथ्य प्रकाश में आया, इसके शरीर पे 2-3 बुलेट इंजरी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। इससे स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो रहा है कि उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। सर, मूल निवासी कहाँ का था ये? ये मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत जिले का रहने वाला है और ये यहाँ पे ठेकेदारी का मकान निर्माण संबंधी काम करता था और उसी के पर्पज से यहाँ रहता था। हत्या के क्या क्या कारण रहे सर? अभी घटनास्थल के जांच से जो 2-3 तथ्य प्रकाश में आए हैं, उसके आधार पे एक तो सबसे पहला ये कि ये शराब पीने का आदी था और प्रतिदिन ये अपने आसपास के कुछ दोस्तों के साथ शराब का सेवन करता था। तो एक तो पुलिस का वो एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि ये जहां का मूल रूप से रहने वाला है हरियाणा में, इसके खिलाफ 307 का एक मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था जमीनी रंजिश के कारण, तो वो रंजिश का भी एंगल एक पुलिस के सामने है। और तीसरा जिस एंगल से पुलिस जांच कर रही है, मृतक व्यक्ति के कमरे से एक महिला की शॉल भी बरामद हुई है। तो ये अभी 3 एंगल हम लोगों को प्राप्त हुए हैं जिसपे हम लोग अपनी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी जो इसका मृतक व्यक्ति का मोबाइल था वो इसके कमरे में नहीं मिला है, परंतु उसका नंबर हम लोगों को मिल गया है, तो हम लोगों ने उसे सर्विलांस पे लगा दिया है। CDR इत्यादि आने पे जो भी तथ्य प्रकाश में आएगा, शीघ्र ही हम लोगों द्वारा इस घटना का सफल अनावरण पुलिस द्वारा किया जाएगा।